एवरीवन, मैं अंकिता एंड यू आर वाचिंग इजी लाइफ विद अंकिता। सो फ्रेंड्स, आज है छठी का दिन, मतलब गणेश जी की आज छठी कर रहे हैं। सो मैं हो गई हूँ रेडी पूजा के लिए और हाफ रही हूँ क्योंकि नीचे से आ रही हूँ। और तैयारी, मैंने जो भोग बनाना था वो बना लिया है, अब चलते हैं पूजा करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऊपर जाने से पहले देख लेते हैं खाने में क्या क्या मैंने बनाया था। सो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है गुलगुले के लिए मैं आटा फेंट रही हूँ। ये मीठा वाले गुलगुले बनेंगे, मतलब कि आटे की मीठी गुलगुले जो कि हैं वो बना रही हूँ मैं यहाँ पर। सो सबसे पहले मैंने यही बनाए थे और इनको बनाने के बाद फिर हम और खाना बनाएंगे जो कि छठी में बनता है, जैसे कि कढ़ी, चावल, दही बड़े, रोटियाँ। और यहाँ पर बस शुरुआत शुरू हो गई है मेरी खाना बनाने की। इसमें लगे थे मुझे 1 से 2 घंटे के करीब, और साथ ही साथ दूध भी उधर आ गया है तो वो बॉयल हो रहा है। तब तक मैंने सोचा सारा खाना फटाफट से बना लेते हैं। लगभग इस टाइम टाइम हो रहा होगा 3 बजे का। 3 बजे से मैंने बनाना शुरू किया था तो 4, 4:30, 5 बजे से पहले बन गया था खाना। इसके बाद फिर बाकी छठी की जो तैयारी है वो करेंगे, फिर पूजा वगैरह होगी। उससे पहले यहाँ पर फटाफट से भोग जो बनना है वो सब हम बना लेते हैं। अब बनाने जा रही हूँ मैं यहाँ पर दही बड़े। तो इसके लिए यहाँ पे उड़द की दाल को मैंने भिंगो के पीस लिया था, उसमें डाला था थोड़ा सा हींग और नमक, एंड उसके बाद उसके हम इस तरह से पकौड़े बना लेंगे। उसके बाद इनको थोड़ा सा पानी में डालेंगे, देन उसके बाद इस तरह से हम दही में डाल देंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं इस तरह से बनाने से। और इसके बाद फिर यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया है, बेसन का घोल तैयार कर लिया है, और बस उसके छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ मैं यहाँ पर बना लूँगी। थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया था खाने वाला सोडा, जिससे बहुत ही जल्दी तुरंत से एकदम सॉफ्ट सी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो जाती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि बहुत देर फेंटें, तो उससे अच्छा है कि आप इस तरह से थोड़ा सा सोडा ऐड करके भी बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से मैंने दही में और हल्दी और धनिया पाउडर डाल के मसाला, मतलब एक घोल तैयार कर लिया है कढ़ी बनाने के लिए। अब यहाँ पर गर्म किया है ऑयल, इसमें डालिए थोड़ी सी मेथी और डालेंगे बस हींग। उसके बाद ये जो है हमारा जो घोल हमने तैयार किया था मसाले का और दही का वो ऐड कर देंगे, और अब इसको हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आ जाता। फ्रेंड्स, खाना वगैरह बनने के बाद फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, तो थोड़ा गाने वाने किए हम लोगों ने, सब लोग आ गए थे। दीदी लोग आ गई थी, भाभी आ गई थी, तो सब ने मिल के गाने वाने कर लिए, एंड उसके बाद फिर हम लोग पूजा करेंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम लोगों ने 1-1.5 घंटे गाने वाने किए, एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने की पूजा और आरती। यहाँ आरती चल रही है, सब लोग कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का ये छोटा सा छठी का व्लॉग गणपति बप्पा का पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें और लाइक भी करें। मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।